वेलकम फ्रेंड्स ऑन एडू टेक्नो मित्रा चैनल। आज का सेशन है जो हमने पिछले लास्ट सेशन में जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी आर्टिकल को पहले तो 1920 रुपए में बेचा गया, फिर उसी आर्टिकल को 1280 रुपए में बेचा गया। जितना प्रॉफिट 1920 रुपए में बेचने पर हुआ था उतनी ही हानि 1280 रुपए में बेचने पर हुई है। यानी ये दो SP हैं, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वो डबल कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। लेट सीपी बराबर है x, इसलिए 2x बराबर है 1920 प्लस 1280 बराबर है रुपये 3200। CP बराबर है x बराबर है 3200 अपॉन में 2 बराबर है 1600। ये CP आ गया। अब उसको हमने बेचना है 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे। SP बराबर है, ये CP पे होता है तो 1600 गुना 100 प्लस 25 प्रॉफिट अपॉन में 100। ये 100 2020 कट गई और 125 गुना 16 बराबर रुपीज 2000। ये ऑप्शन ए में है, ये ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर पुस्तकों को 200 रुपये से लेके 350 रुपये में, यानी एक रेंज है, ये कोई बुक 200 की होगी, कोई 350 की होगी, कोई 250 की होगी, इस पर खरीदने में और रुपये 300 से 425 रुपये में बेचने में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितना लाभ संभव है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें CP सबसे कम ले लेते हैं और SP सबसे ज़्यादा ले लेते हैं। अब CP बराबर है 200 गुना 8 किताबें हैं, 8 बुक हैं, ये 8 × 8 तो ये हो गया अपना रुपीज़ 1600। और SP बराबर है 425 × 8 बराबर है 8 × 40 8 × 2 = 16 और 4 = 20 और 8 × 4 = 32 और 2 = 34 रुपीज। ये तो मैक्सिमम प्रॉफिट बराबर है 3400 माइनस 1600 बराबर है रुपीज 1800। ये होगा जो ऑप्शन है सी में है। फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिल्कमैन परचेजेस, कोई भी दूध वाला है वो x रुपए पर लीटर पर दूध खरीद रहा है और इस दूध को रुपीज 2x पर लीटर पर बेच रहा है, लेकिन वो साथ में 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी भी मिला रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें लेट ये CP बराबर है रुपीज x पर लीटर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, बराबर है RE1 पर लीटर, RE1 पर लीटर। और SP हो गया, SP बराबर है रुपीज 2x पर लीटर बराबर है रुपीज 2 पर लीटर। अब मिल्क बराबर है 6 लीटर है और वाटर 2 लीटर है, वाटर फ्री में होता है,
इसलिए सीपी बराबर है 6 × 1 बराबर है रुपीज 6 और एसपी बराबर है 6 लीटर मिल्क था, 2 लीटर वाटर मिला दिया और 2 रुपये के हिसाब से बेच दिया तो 8 × 16 रुपये हो गया। अब प्रॉफिट बराबर है 16 − 6 बराबर है ₹10 और प्रॉफिट परसेंट बराबर है 10 / में सीपी पे होता है 6 × CP × 100 2 × 3 × 2 × 5 तो 500 / 3 बराबर है 166.66% जो ऑप्शन ए बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी बुक के ऊपर मार्क्ड प्राइस ₹450 है और 25% डिस्काउंट दे रहा है ये सेलिंग प्राइस पे, तो कह रहा विक्रय मूल्य बताओ पुस्तक को कितने में बेचेगा। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हमेशा कम दिखता है, सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट ज़्यादा दिखता है। हमने पिछले सेशनों में पढ़ा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से मेथड से हम ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट 25% है, इसको ये सेल प्राइस पे है तो ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए इंक्रीज बराबर है 25 × 100 बराबर है 1/4, तो मार्क प्राइस पे इसका डिस्काउंट कम होएगा तो डिक्रीज बराबर है 1/1 × 4 बराबर है 1/5, क्योंकि ये x/y है तो ऐसे को हम निकालते हैं x/x + y, यहाँ x1 है y4 है तो 1/1 + 4 बराबर है 1/5 आ गया। अब 1/5 के हिसाब से हम डिस्काउंट निकाल देते हैं, डिस्काउंट × 450 मार्क प्राइस है, ये 5 से कट गया, 5 × 9 = 45, 90 रुपीज़ आ गया, इसलिए सेल प्राइस बराबर है, उसने ₹450 का मार्क प्राइस था उसमें से डिस्काउंट दे दिया ₹90 तो सेल प्राइस हो गया ₹360 जो कि ऑप्शन ए में है, ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।